क्वेरी ट्राई करो, देखो। और दूसरा ग्रुप है जो उसको वापस खींच रहा है, फैमिली, पुलिस, मीडिया, सोसाइटी, रिहैब, सोशल मीडिया, ये सब खींच रहे हैं। हमारी सोसाइटी पे कमी क्या है? ये हमारे पास फिंगर्स हैं जो वापस खींचने वाले हैं। हर फिंगर अपनी अपनी ताकत लगा रहा है, हमको एक उसको मुट्ठी में बनाना है, हमको सबको इकट्ठे रखना है, चाहे वो पुलिस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिहैब हो, कोई भी हो, सोशल मीडिया मीडिया, हम सब फिंगर्स को इकट्ठे करना है, मुट्ठी बनाना और जोर से खींचना है। इतनी जोर से खींचना है कि अपनी तरफ खींचने वाली ताकत जो है वो उसको ड्रग की साइड पे ले ना जा पाए। तो ये बहुत बड़ा जो है योगदान रहेगा अगर हम सब इकट्ठे मिलकर हमने अपने पांचों उंगलियों की ताकत को समझा। अभी क्या होता है कि हर उंगली जोर तो लगाती है लेकिन आधी जोर लगाती है। सोसाइटी कहती है कि चलो हमारा फर्ज लिमिटेड है, पुलिस का ज्यादा है, पुलिस कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी का ज्यादा है, इस तरह से बात चलती नहीं। कोई कहता है कि स्कूल के टीचर्स का ज्यादा रोल होना चाहिए, वो खींचता कम है तो वो उंगली में कम ताकत है। लेकिन हर उंगली को अपनी ताकत समझना चाहिए, उसको जोर उतना ही लगाना चाहिए और मुट्ठी बंद करके जोर लगाना। जो ड्रग अब्यूज का सिलसिला है इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक है प्रोडक्शन, कल्टीवेशन होती है, भांग की कल्टीवेशन है, कॉफी कल्टीवेशन यहाँ होती है, जेएनके में होती है। एक है हीरोइन, ये जो बाहर से बन के आता है रिफाइंड, इसके लिए मशीन चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए जो बाहर से बन के आता है। आपको आप में से अगर किसी ने ग्रीन पाब्लो पढ़ा होगा, पाब्लो एस्कोबार पे है जो कोलंबिया का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, अपनी जी नौजवान पीढ़ी है उसी बचाई सकते। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के करा दा पहले के किता और ते और ए भी तुंदे कने गल साझा करना चाहूं कि जदों 2014 च असे सोचिया कि कोई ऐसी संस्था बना जाए, क्योंकि 2014 च साडे सामने 8-10 केस 3 महीने दे अंदर आए कि एक बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, दूआ केएस दी तैयारी कर रहा, चौथा इंजीनियरिंग करन के दा 2-3 महीने च राती सुते ते सवेरे उठे नहीं, बहुत अच्छे कर रहे थे, मेरिटोरियस बच्चे। उसके बाद जो असें नीम पत्थर रखना टीम जम्मू का, मैं आज भी याद है मानयोग मुकेश सिंह जी उस वेले NIA चे, और जल्द इन्हें पता लग्या इन्हें इन्ना सपोर्ट किया और वक्त ब वक्त गाइड किया, क्योंकि इनका एक्सपोजर नैशनल तो इंटरनेशनल लैवल का इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकली गल कर जाए। तो मैं समझना कि टीम जम्मू के नीम पत्थर च मुकेश सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। अज भी कुते ना कुते अस गल करचै एडे बड़े रैंक उपर अमरनाथ यात्रा और सिचुएशन है, 1 घंटा 15 मिनट देना मैं समझना कि ये तुंदे नौजवानों के पिछे इतने आए दिन मैं तुंदे ते इंदे विच ज़्यादा देर नहीं रोगा, क्योंकि अज सारे मुकेश सिंह जी और JNK पुलिस निके पॉलिसीज प्रोग्राम्स ने किस तरीके कन्ने जम्मू रीजन च एक काम करना चाहते और सारे नौजवानों को की एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज ने किया पुलिस की मदद करनी चाहिए, असें इन्हें सुनना है। एदे कोला पहले जेड़े लोग खासकर मेरा नौजवान भरा गल करा दा कि मैं डरी आ, 6 फुट का नौजवान प्रदीप दत्ता होरे भी उहदा हवाला दिता, मैं तुसी सारे फिर तू तुसे दिखिया भी होना, समझते भी हो गए हो रोज, लेकिन शायद कुते अपने अंदर संज्ञान नहीं लिया कि डोगरा एक कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं है। जम्मू रीजन च रोने वाला चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अपर जात है, OBC है, वो डोगरा है, और डोगरा कभी डरता नहीं, कभी डरना नहीं है, और डरना रब को, डरना गलत गले को। और आखते ना असें के गाया मिठिया भाखा ते गिदड़ू, असें के जितया दुनिया दे दिल, अस कुसी पूजने श्री रघुनाथ मां वैष्णो, अस कोदे आ पुत्र मां भावे भवानी दे, असें के जितया जुझारू जंगा, असें के लड़िया जुझारू जंगा, असें के पाया मां भारती दा ताज, अस कौन अस कौन अस कौन, अस डोगरे अस डोगरे अस डोगरे। जय हिंद जय भारत।